दोस्तों टेलविंड CSS को यूज करते हुए अगर आप अपना नया फ्रंट एंड प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं वो भी बिना किसी हैवी फ्रेमवर्क के, तो बिल्कुल आसानी से प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो कर लीजिए। आपको केवल Node.js पहले से इंस्टॉल रखना है। सबसे पहले प्रोजेक्ट के लिए एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल tailwind_demo। अब इस फोल्डर में शिफ्ट प्लस राइट क्लिक करके पावर शेल को ओपन कर लेते हैं। अब आपको टेलविंड CSS इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले ये कमांड एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, इंस्टॉल हो चुका है। अब नेक्स्ट कमांड है ये कमांड tailwind config.js फाइल को क्रिएट कर देगा। ठीक है, अब एक index.html फाइल को क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारे प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अब एक फोल्डर को क्रिएट कर लेते हैं एसेट्स, और इसके अंदर एक और फोल्डर css नाम से, और इसमें एक input.css नाम की फाइल को क्रिएट कर लेते हैं। अब प्रोजेक्ट को VS Code Editor में ओपन कर लेते हैं, और अब हमें input.css फाइल में 3 लाइन ऐड करनी है। यहाँ पर हम बता रहे हैं कि हमें टेलविंड की बेस क्लासेस, कंपोनेंट, यूटिलिटी क्लासेस को यूज करना है। अब टेलविंड को गाइड कर देते हैं कि टेलविंड क्लासेस हम कहाँ कहाँ लिख सकते हैं। तो tailwind config.js फाइल को ओपन कर लीजिए और यहाँ ये वाला कोड अपडेट कर दीजिए। हम यहाँ पर बता रहे हैं कि टेलविंड का कोड हमारे प्रोजेक्ट के रूट में किसी भी सब फोल्डर में और किसी भी HTML और JS एक्सटेंशन वाली फाइल में लिख सकते हैं। अब इसको सेव कर दीजिए। अब आप index.html में अपना कोड लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर output.css नाम का एक फाइल को लिंक कर लेते हैं, और ये फाइल जो है ये हमने बनाई नहीं है, लेकिन हमें इसको बनाना भी नहीं है क्योंकि इस फाइल को ऑटोमेटिकली टेलविंड आपके लिए कंपाइल करेगा। तो इस फाइल को कंपाइल करने के लिए हम ये वाला कमांड यूज करेंगे। यहाँ पर आपका जो input.css फाइल का कंटेंट कंपाइल होकर output.css फाइल में जाएगा, और यहाँ पर ये फ्लैग बताता है कि जब भी हम कोड को चेंज करेंगे तो पेज को रिफ्रेश करना है। यहाँ पर output.css फाइल क्रिएट हो चुका है। अब VS Code से लाइव सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं, और अब आप अपने HTML और JS फाइल्स में टेलविंड की क्लासेस को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ब्राउजर में मुझे अपना इंडेक्स वाला पेज दिख रहा है। अब index.html में कुछ यूटिलिटी क्लासेस ऐड करके देख लेते हैं। यहाँ पर स्टाइल को लाइव चेंज होते हुए आप देख सकते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी आप प्रोजेक्ट को ऑनलाइन डिप्लॉय करना चाहो तो केवल output.css फाइल की जरूरत पड़ेगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो कमेंट कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।